हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स चैप्टर करते हैं, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स ने अपने टू लॉस दिए थे। तो फर्स्ट लॉ इज़ ऑन दी करंट एट ए जंक्शन पे था उसका जो लॉ, जंक्शन रूल भी इसको बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो अगर हम किसी जंक्शन पे नंबर ऑफ़ वायर्स अटैच हो रही हैं, तो यहाँ पर हमने पांच वायर्स को एक जंक्शन ओ पे मिला दिया, तो कुछ वायर्स में से करंट जो है वो एंटर कर रहा है और कुछ से लीव कर रहा है। कुछ से बाहर जा रहा है जंक्शन से, तो कुछ जंक्शन के एंटर हो रहा है करंट। तो इन सभी का अगर करंट्स का अलजेब्रिक सम करें एट ए जंक्शन, तो उसका जो सम होगा वो जीरो होगा। तो इसमें आपको एक साइन कन्वेंशन याद रखनी है। करंट टू वर्ड्स जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर ये शो भी किया है एरोस से। तो जितने भी करंट जंक्शन में एंटर कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो लीव कर रहे हैं जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे। तो करंट एंटरिंग, करंट लीविंग, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। दैट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देन किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड सर्किट, इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। तो सेकेंड लॉ इसने दिया था किसी क्लोज्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, जिसपे उसने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस फ्लोइंग थ्रू देम। तो इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप पे अप्लाई होता है। तो इसमें आपको साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है। जो भी करंट सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो करंट सर्किट में क्लॉकवाइज फ्लो करेगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। और बैटरी की ईएमएफ को हम पॉजिटिव तब लेंगे अगर बैटरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही है लूप में से। अगर बैटरी लूप में से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही है तो उसकी ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर बैटरी लूप में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही है, जैसे कि हमने ये ड्रा कर ली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा रही है करंट, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसको नेगेटिव लेंगे। ये आपको टू साइन कन्वेंशन इसमें ध्यान में रखनी है। तो उसके बेसिस पे हमने एक लूप कंसीडर करते हैं, तो उस पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। देर इज़ ए सर्किट इन विच टू फोर पॉइंट्स ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में हमने दो लूप्स कंसीडर की, ए सी बी ए। फर्स्ट इज ए सी बी ए एंड सेकंड इज ए डी सी ए। तो दो लूप्स हमने कंसीडर की। फर्स्टली हम ए सी बी ए लूप पे, ए सी बी ए लूप पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, ए सी बी ए पे। तो ए सी बी ए लूप पे अगर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर पहले एक एरो आपने ड्रॉ कर लेना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी बैटरीज, पहले बैटरीज की ईएमएफ का एक तरफ हमने सम करना है, सम ऑफ ईएमएफ्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। तो जो बैटरी ई1 है, इट सेंड्स द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड कर रही है। बट जो ई2 है, ई2 विल सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड कर रही है इन दिस सर्किट ए सी बी ए। तो द ई एम एफ ऑफ द सेल ई1 इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ई2 इज टेकन एज नेगेटिव। देन हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इस लूप में। तो I1 इज करंट इज फ्लोइंग एज एंटी क्लॉकवाइज, I3 इज फ्लोइंग एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट I2 इज ऑल्सो फ्लोइंग एज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। I1 I2 जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं एंड I3 इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो I3 को हम नेगेटिव लेंगे और दोनों को पॉजिटिव लेंगे। तो ये
क्रिचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई हो गया लूप पे ACBA पे। सिमिलरली हम ADCA पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ADCA पे। तो उसमें हम ये जो बैटरी E2 है, इट विल सेंड करंट इन दिस सर्किट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड कर रही है इस सर्किट में, तो इसकी EMF को हम पॉजिटिव लेंगे E2 की। और I4, I5, I3 थ्री जो करंट्स हैं आर फ्लोइंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन सभी को भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ऐसे हम क्रिचॉफ्स का सेकेंड लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज़ वन ऑफ दी एक्यूरेट अरेंजमेंट्स फॉर मयरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस को मयर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें चार रेजिस्टेंसेस होती हैं, पी, क्यू, आर एंड एक्स, जिनमें से पी एंड क्यू जो हैं वो नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, आर इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एक्स इज़ अननोन रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ आर इज़ इन दी व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एडजस्टेड सो दैट, इसकी डायग्राम पहले साथ में देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर इज़ एडजस्टेड सो दैट उन क्लोजिंग द की K2 एंड K1 को क्लोज करने पे R को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि गलवेनोमीटर डज नॉट शोज एनी रीडिंग, गलवेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए। गलवेनोमीटर की रीडिंग जीरो होने का मतलब क्या है कि IG करंट जीरो होगा, कोई भी करंट इस आर्म में नहीं आएगा। बी एंड डी एट द सेम पोटेंशियल, अगर बी एंड डी एट द सेम पोटेंशियल है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इन केस ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव टू प्रूव दैट इट कैन बी प्रूव दैट पी बाई क्यू इज इक्वल टू दी आर बाई एक्स। तो हमें इसी रिलेशन को प्रूव करना है फॉर दी बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि बीच वाली आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स वी बी इज इक्वल टू दी वी टी। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हम प्रिंसिपल अब प्रूफ करेंगे इसका। तो हमने ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ए बी बी सी ए डी एंड डी सी ये फोर आर्म्स उसकी कंसीडर की हैं, वेयर पी एंड क्यू आर एंड एक्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो आई करंट जो है वो बैटरी से आया I1 और जंक्शन पे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया I1 एंड I2 में, फिर वो बी पॉइंट पे IG एंड I1 माइनस IG में डिवाइड हो गया। ये IG I2 में ऐड होके I2 प्लस IG बनाया, तो एंड पे ये दोनों ऐड होके इन्होंने आई करंट बना दिया। तो दिस इज़ द होल सर्किट, अवर होल सर्किट। देन तो इसका अब हम प्रूव करते हैं, सपोज VA VB VC VD विदाउट दी क्रिचॉफ्स लॉ ये प्रूव अभी कर रहे हैं, आर पोटेंशियल्स एट ABCD रिस्पेक्टिवली। देन VA माइनस VB VA माइनस VB इज इक्वल टू दी I1 into P लिखेंगे इसको। सिमिलरली VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I1 माइनस IG इंटू क्यू, VA माइनस VD इज इक्वल टू दी I2 इंटू R एंड VD माइनस VC इज इक्वल टू दी I2 प्लस IG इंटू X। तो ये फोर इक्वेशन हमने लिख ली। व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट देन IG इज इक्वल टू जीरो, तो VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अब हम इन चारों क्वेश्चन में से 3, 2, 4 में पुट करेंगे, 3, 2 and 4 में पुट करेंगे। तो द थ्री थर्ड क्वेश्चन बिकम्स VA माइनस VB इज इक्वल टू दी I2R एंड टू सेकेंड क्वेश्चन बिकम्स VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I1 क्यू एज IG इज इक्वल टू जीरो एंड फोर्थ क्वेश्चन बिकम्स VB माइनस VC इज इक्वल टू दी I2X वेयर IG इज इक्वल टू दी जीरो। तो हमने ये चार क्वेश्चन बना ली। तो फोर्थ क्वेश्चन में VD को VB से रिप्लेस कर दिया एंड थर्ड इक्वेशन में हमने VD को VB से रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद हम फ्रॉम 1 and 5th इक्वेशन, पहली और फिफ्थ इक्वेशन को देखेंगे, जो फिफ्थ इक्वेशन न्यू बनी है। इन दोनों इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चलता है, I1P इज इक्वल टू दी I2R एंड अब हम 6th and 7th इक्वेशन को देखते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, I1 क्या इज इक्वल टू दी I2X। तो दोनों 8/9 हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, I1P/I1 क्या इज इक्वल टू दी I2R/I2X। तो P/Q इज इक्वल टू दी R/X एंड X इज इक्वल टू दी R इंटू क्या हुआ है P। सो दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस, हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम क्रिचॉफ्स लॉ। तो हम प्रिंसिपल तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कर ही चुके हैं कि P/Q/R/X देर आर फोर रेजिस्टेंसेस एंड R को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि जो IG करंट जीरो हो जाए, गलवेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। तो इस स्टेट को हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन P/Q इज इक्वल टू दी R/X, तो इसको बाई यूजिंग द क्रिचॉफ
किरचॉफ्स लॉज हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज. वी बैलेंस्ड इन केस ऑफ बैलेंस स्टेट द पी बाय क्यू इज इक्वल टू द आर बाय एक्स. ये प्रूव करना है हमें बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज. तो सेम डायग्राम पिछले वाली ही हम कंसीडर करेंगे. आई वन आई टू करंट जंक्शन पे आई जो है वो डिवाइड हो गया, उसके बाद आई जी करंट इधर को फ्लो कर गया और आई वन माइनस आई जी इधर चला गया एंड दिस आई जी अगेन एड्स टू आई टू एंड गिव्स करंट आई टू प्लस आई जी इन दी आर्म डी सी एंड एट दी जंक्शन सी दीज टू करंट्स एड टू फॉर्म द करंट आई. देन अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू ए डी बी ए. ए डी बी ए इज सो चूजन दैट इट इज़ इन दी एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन. तो हम इसमें एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन भी ड्रॉ कर ली ताँ जो हमें बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो. तो एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में अंदर एरो इसके पहले ही बना लेंगे. तो फर्स्ट लूप हमने कंसीडर की ए डी बी ए, तो इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई तो ए वन साइड का तो जीरो सम आ जाएगा जो के था सम ऑफ ईएमएफ्स, तो उस तरफ जीरो आ जाएगा. तो अब हमने करंट एंड रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट को ऐड करना है. तो फर्स्टली आई वन पी की बात करते हैं. आई वन पी इज़ फ्लोइंग इन दी ओपोजिट डायरेक्शन सो इट इज़ टेकन एज नेगेटिव. आई वन पी को नेगेटिव दिया. आई टू जी इज़ फ्लोइंग इन दी ओपोजिट टू दिस एरो विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लोकवाइज एंड आई जी इज़ फ्लोइंग इन द क्लोकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लूप सो इट इज़ टेकन एज नेगेटिव. एंड आई टू आर इज़ फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लूप सो इट इज़ टेकन एज द पॉजिटिव. सो दीज थ्री क्वान्टिटीज रिप्रजेंट द अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज एंड करंट्स इन द लूप ए डी बी ए. देन सेकेंड अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू बी डी सी बी. बी डी सी बी इज ऑल्सो टेकन एज द एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन एंड आई जी करंट आई टू प्लस आई जी करंट एंड दीज टू आर टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज दीज आर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंटी क्लोकवाइज एरो एंड बट आई वन माइनस आई जी इज फ्लोइंग इन द क्लोकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द डायग्राम सो इट इज़ टेकन एज द नेगेटिव. सो इन तीनों को पुट करेंगे तो इनका भी अलजेब्रिक सम जो वो जीरो के इक्वल आएगा बिकॉज इस सर्किट में भी देयर इज़ नो बैटरी, कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई इस लूप में भी, तो इसका भी जीरो आ जाएगा. तो इन दोनों इक्वेशन को हमने वन एंड टू कंसिडर कर लिया. व्हेन ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट देन आई जी इज टेकन एज द जीरो. तो आई जी को जीरो पुट करेंगे इन द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में आई जी को जीरो पुट करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे. आई वन पी इज इक्वल टू द आई टू आर, आई वन क्यू इज इक्वल टू द आई टू एक्स. तो इन इक्वेशन को हम नेक्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया. तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू आई टू आर अपॉन आई टू एक्स विच इज इक्वल टू दी पी बाई क्यू इज इक्वल टू दी आर बाई एक्स. तो इट प्रूव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज. देन नेक्स्ट स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड वायर ब्रिज इज बेसिकली द मीटर ब्रिज. इसकी प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एज वी नो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स. तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है. व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स. एंड देन इसमें कंस्ट्रक्शन में इसके क्या क्या है? कॉन्स्टेंटन वायर ए सी. कॉन्स्टेंटन वायर ए सी को हम यूज़ करते हैं 1 मीटर लेंथ की को, जो कि ये ए एंड सी पॉइंट में लगी हुई है. कॉन्स्टेंटन वायर 1 is meter स्केल विच इज़ ऑफ दी लेंथ 100 centimeter और 1 meter एंड जोकी स्लाइड ओवर ए सी. तो यहाँ पर एक जोकी है जो कि ए सी वायर पे स्लाइड कर रही है. तो ये जोकी है, ये स्लाइडिंग के पर्पज़ के लिए है, जो कि अदर एंड पे डी पॉइंट से जुड़ी है. तो ये सारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये सारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं. ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स बना रही हैं, कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट्स बना रही हैं. तो आर इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एक्स इज़ द अननोन रेजिस्टेंस. तो हमने अननोन रेजिस्टेंस इससे कैसे मेजर करते हैं? तो फर्स्टली इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दी पोर्शन ए बी पोर्शन की वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने पी कंसिडर कर लिया और बी सी पोर्शन को हमने क्यू कंसिडर कर लिया. व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स. तो ये हमें पता है जब गल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा तो ब्रिज को हम बैलेंस्ड बोलेंगे. तो उस केस में पी बाई क्यू आर बाई एक्स के इक्वल होगा, यही इसकी थ्योरी है. तो अब हम इसका यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज का, मीटर ब्रिज की इस
कंडीशन का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज, फर्स्ट इज़ टू मैयर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मैयर करते हैं, हमने एक्स एक अननोन रेजिस्टेंस लगाई हुई है इसमें, तो हम जब ये दोनों कीज़ को क्लोज करेंगे तो बैलेंस कब बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। उसके लिए हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताँ जो आर इज़ सो एडजस्टेड दैट बैलेंस पॉइंट लाइज बिटवीन 35 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर साइन। जो स्केल है हमारा उस पर 35 टू 65 सेंटीमीटर के मार्क्स के अंदर ही बैलेंस पॉइंट आए। इस तरीके से हम इसमें आर को एडजस्ट करेंगे, देन हम जोकी को मूव करेंगे बाय मूविंग जोकी ओवर दी वायर, तो हम बैलेंस पॉइंट पता कर लेंगे जहाँ पर जी इज़ इक्वल टू जी शोइंग, आई जी इज़ इक्वल टू जीरो जहाँ पर शो करेगा उस पॉइंट को हम बैलेंस्ड पॉइंट बोलेंगे। वो जोकी को मूव करके ही पता चलेगा। और ये आर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि बैलेंस पॉइंट 35 टू 65 सेंटीमीटर के बीच में मार्क्स के बीच में आ जाए। सपोज व्हेन ब्रिज इज़ बैलेंस्ड ए बी इज़ इक्वल टू एल, दिस ए बी इज़ इक्वल टू द एल एंड बी सी इज़ इक्वल टू द क्यू, देन बी सी हमारे पास सॉरी बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल, तो ए बी लेंथ की रेजिस्टेंस है पी एंड बी सी लेंथ की रेजिस्टेंस है क्यू, पी प्रोपोर्शनल टू एल एंड क्यू प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल आ जाएगा, एंड पी बाय क्यू इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी नो पी बाय क्यू इज इक्वल टू दी आर बाय एक्स, वी नो पी बाय क्यू इज इक्वल टू दी आर बाय एक्स एंड आर बाय एक्स इज इक्वल टू दी एल अपॉन 100 माइनस एल एंड एक्स इज इक्वल टू दी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर आ जाएगा हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर हमने एक लेंथ एल फाइंड आउट कर ली, बैलेंस्ड लेंथ फाइंड आउट कर ली एल, तो उससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन केस ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का अदर यूज है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेज। सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू अननोन रेजिस्टेंसेज, तो पहले हम आर वन को कनेक्ट करेंगे जोकी को मूव करके। गैल्वेनोमीटर जब डज नॉट शो डिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में इसको बैलेंस्ड बोलेंगे। तो जब आर वन की एक लेंथ आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, सपोज इसकी एल वन आ गई, तो ए बी एल वन है, बी सी 100 माइनस एल वन है जो कि इसकी आर वन के कोरस्पोंडिंग बैलेंसिंग लेंथ है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्रोपोर्शनल टू एल वन, क्या प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल वन एंड एज वी नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, पी बाय क्यू इज इक्वल टू दी एल वन अपॉन 100 माइनस एल वन एंड पी बाय क्यू इज इक्वल टू दी आर अपॉन आर वन। हमने एक्स को आर वन से रिप्लेस किया है, फर्स्ट आर वन अप्लाई की एक्स की जगह पे, फिर देन आर टू अप्लाई की, तो हमारे पास आर वन की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने आर वन को हटा के आर टू लगाया, तो आर टू के लिए भी बैलेंस लेंथ एल टू आ गई, एल टू हमने कंसिडर कर ली, तो आर टू सिमिलरली इस कैलकुलेशन से इसके इक्वल आ गया। तो आर वन आर टू कंपेयर करने का मतलब क्या है, हम उन दोनों की रेशियो निकालने जा रहे हैं, आर वन बाई आर टू विच इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ दीज टर्म्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एल वन अपॉन एल वन, एल टू अपॉन 100 माइनस एल टू। By knowing the values of L1 and L2, the ratio R1 and R2 can be found. तो found कर सकते हैं। Then next to measure the unknown temperature. Unknown temperature को हम कैसे measure कर सकते हैं? Suppose we have the three jars. One at ice at 0 degree Celsius. One is the container whose temperature is to be measured. Unknown temperature and other is 100 degree Celsius boiling water. तो ये हमारे पास reference होगी 0 and 100 की. 0 and 100 की हमारे पास references हैं वो fluids. तो unknown temperature हमने theta इस fluid का find out करना है center वाले का. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि आर जीरो एट जीरो डिग्री सेल्सियस, सपोज हम एक एक्स अननोन रेजिस्टेंस इसमें जो लगाई थी एक्स रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज में, तो उसकी रेजिस्टेंसेस कंसीडर कर लेते हैं भी एट जीरो डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज आर जीरो, एट थीटा डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज आर थीटा एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज आर 100। तो हमने ये कंसीडर कर ली इसकी रेजिस्टेंसेस बाय मेजरिंग आर नोट आर थीटा एंड आर 100 बाई यूजिंग मीटर ब्रिज। तो आर जीरो आर थीटा आर 100 हमने कैसे मैयर करनी है, इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स को जो कि मीटर ब्रिज पे लगी हुई थी उसको पहले आइस में डिप करेंगे, सेकंड बार उसको अननोन फ्लूइड में डिप करेंगे एंड थर्ड बार उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाले में डिप कर करके उसकी ये रेजिस्टेंसेस निकाल लेंगे आर जीरो आर थीटा आर 100 बाई कैलकुलेटिंग बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ जो इसके कोरस्पोंडिंग आएंगी एल वन एल टू एल थ्री
उनको यूज़ करके हम R0, R थीटा, R100, क्योंकि हम मीटर ब्रिज से एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेज मीटर ब्रिज की वो बैलेंसिंग लेंथ से आ जाएंगी। उसके बाद हमें पता है R थीटा इज इक्वल टू दी R0 1 प्लस अल्फा थीटा, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। R थीटा माइनस R0 इज इक्वल टू दी R0 अल्फा थीटा, इसी रिलेशन से ये आ गया सोल्व करके। एंड R100 माइनस R0 इज इक्वल टू दी R0 अल्फा इंटू 100। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे 1/2, तो हमारे पास इधर वाला रीजन जाएगा θ/100, R थीटा माइनस R0, R100 माइनस R0। तो यहाँ से हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे 100 को दूसरी तरफ ले जाके, तो इस तरीके से हम अननोन टेम्परेचर विद दी हेल्प ऑफ ए मीटर ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेयर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और टू कंपेयर द EMF टू सेल्स। इट ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? व्हेन ए कांस्टेंट करंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी वायर जो कि उसका जिसका के यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर उसमें से कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाया जाता है, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन मीन्स अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्स्टेंट करंट उसमें से फ्लो करवाया जा रहा है, देन पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन आ जाएगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर, कॉपर स्ट्रिप्स ये लगी हुई हैं, मीटर रोड नीचे लगी हुई है, एंड अदर बेसिक इक्विपमेंट जो सारा लगा हुआ है, अदर बेसिक इक्विपमेंट। तो हमने क्या किया, ए एंड पे हमने एक एक्सटर्नल बैटरी ई लगा दी। तो ई बैटरी इसको ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है और ये बैटरी ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। रियोस्टेट का काम क्या है? रियोस्टेट का काम करंट को कांस्टेंट करना है, करंट को कांस्टेंट करना काम रियोस्टेट का है। तो ये वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, एज वी नो वी इज इक्वल टू दी IR। तो यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि इस पे जोकी की हेल्प से ही मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है इस पे। तो इसको हम जोकी की हेल्प पे इस वायर पे स्लाइड कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू दी IR हमें पता है, R इज इक्वल टू दी rho L अपॉन A। तो V इज इक्वल टू दी rho L अपॉन A। अगर यहाँ पर करंट कॉन्स्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है एंड रो तो मटेरियल की कांस्टेंट ही होती है, देन वी इज प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। वी प्रोपोर्शनल टू एल हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट इनटू एल एंड वी प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। तो दैट मींस इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रूव हो गया। इफ़ कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, तो उसमें से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दैट पोर्शन होगा। देन इसकी एप्लीकेशन अब हम करते हैं पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट इज वी प्रोपोर्शनल टू एल के बेस पे अब हम चलेंगे। इफ़ कॉन्स्टेंट करंट इज पास थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन आई एंड ए आर कॉन्स्टेंट, रो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू दी वी इज इक्वल टू दी कॉन्स्टेंट इन टू एल एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू एल। देन इफ ए कॉन्स्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दी अलोंग द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। Applications. First application to compare EMF of two cells. तो इससे हम दो cells की EMF को compare कर सकते हैं। वो कैसे, हमने क्या किया, A end पे दो cells लगा दिए E1 and E2। एंड यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, दीज सेल्स की जो EMF है शुड बी लेस देन दिस एक्सटर्नल EMF, ये एक्सटर्नल EMF से कम होनी चाहिए। तो इसको हमने विद दी हेल्प ऑफ ए गलवेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस आर जोकी की हेल्प से इस वायर पे अटैच कर दिया। तो जैसे जैसे हम इसको जोकी को इस पे स्लाइड करेंगे, इस एंड को इस पे स्लाइड करेंगे, तो गलवेनोमीटर एक पॉइंट पे आके जीरो रीडिंग शो करेगा। जब गलवेनोमीटर ने जीरो रीडिंग शो कर दी, दैट मींस दिस सेल E1 EMF इज बैलेंस्ड बाय दिस वोल्टेज। इतने पोर्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप है
जहां पर इसने बैलेंस किया, इतने पोर्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस ईएमएफ को बैलेंस कर रहा है, दिस ईवन को, ये लेंथ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दिस पोर्शन ऑफ द वायर बैलेंस कर रहा है। तो हमने इसके बाद हम ये टू वे की के वन और थ्री को पहले अटैच करेंगे, देन वन टू एंड थ्री को अटैच करेंगे, टू एंड थ्री के बाद भी ऐसे बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे एल वन एल टू, तो वो ई टू को रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दैट पोर्शन। व्हेन प्लग इज पुट बिटवीन वन एंड थ्री, सपोज एल वन इज द बैलेंसिंग लेंथ, देन ई वन इज प्रोपोर्शनल टू एल वन, सिमिलरली ई टू इज प्रोपोर्शनल टू एल टू, तो ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू द एल वन बाई एल टू, बैलेंसिंग लेंथ की सिंपली रेशो आ जाएगी। तो देन अब हम इसको ई एम एफ कंपेयर करने का मीन्स दोनों ई एम एफ की रेशो आ गई एल वन बाई एल टू की टर्म्स में, बैलेंसिंग लेंथ की टर्म्स में। तो मेन हमें ये याद रखना है कि जो कि वो मूव करने पे जहाँ पर गल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा वहाँ पर ई वन को इस पोर्शन का पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बैलेंस कर देगा, तो ई टू के केस में भी सेम होगा। टू मैयर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मैयर करते हैं। तो हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया यहाँ पे हुज ई एम एफ इज ई कंसिडर कर ली, तो अब हम एक्सटर्नल ई एम एफ को ई डैश लेंगे। उस सेल के क्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस यूज़ कर ली, उस सेल की एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस एंड K1 की यूज़ कर ली। तो विद द हेल्प ऑफ गल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस आर इसको हमने इस पर स्लाइड करना शुरू किया। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये K1 को ओपन रखा, पुट प्लग इन द की, K2 इज़ कैप्ट आउट, सॉरी यहाँ पर K2 हमने लिखना चाहिए था, सो दिस इज़ K2, और यू कैन रिप्लेस, अगर हमने इसको K1 लिखा है तो यहाँ पर भी K1 ही लिखेंगे, K1। तो पहले K1 को हमने कैप्ट आउट रखा प्लग को, मींस ये की जो है वो ओपन है K1। इन केस ऑफ K1 इज़ ओपन, द सेल इज़ इन ओपन सर्किट, तो इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ होगी इस पे वो इसकी EMF को बैलेंस करेगी। तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू L1 इन द फर्स्ट केस व्हेन की K1 इज़ ओपन। तो सेकंड केस में हम की K2 को पुट प्लग इन की K2, तो इसको बंद कर देंगे, उससे ये इसकी EMF नहीं, अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसको बैलेंस करेंगे जहाँ पर गल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा वहाँ पे ये बैलेंसिंग लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V को बैलेंस कर देगी, V इज़ प्रोपोर्शनल टू L2। तो अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, E बाय V माइनस 1 इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच टू सेल विच इज़ S कंसिडर्ड, तो L1 बाय L2 वहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस 1 इनटू S, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा सेल का। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने ये पुट करने के बाद ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, R इज इक्वल टू दी L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू दिस L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू S। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।